देश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाएं और नशाखोरी के विरोध में हिंदवी स्वराज सेना द्वारा आयोजित श्री राम राज्य महायात्रा में आप सभी धर्म रक्षक सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 16 अप्रैल 2023 को दोपहर 3 बजे से दास बगीची भूतेश्वर रोड इंदौर से प्रारंभ। आयोजक हिंदवी स्वराज सेना एवं समस्त सनातनी हिंदू समाज। सौजन्य से तीनू जैन, वीरेंद्र गुप्ता, योगेंद्र महंत, निखिल सोनी, गब्बर खाटवा, हर्ष मिश्रा, बिट्टू, मुकुंद पांडे, दिकेश यादव, रोहित सिंह बैस, निर्मल ठाकुर, रोहित तिवारी, आशीष ठाकुर एवं समस्त सनातनी हिंदू समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। संविधान के जनक बाबा भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर उनके जन्म स्थल डॉक्टर अम्बेडकर नगर मऊ में बाबा साहब के अनुयायियों का सुबह से तांता लगा रहा। मऊ सहित प्रदेश के हर शहर में जय भीम के नारे लग रहे थे। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती हर वर्ष वैसे तो पूरे देश में मनाई जाती है, किंतु उनकी जन्मस्थली मऊ में लाखों की संख्या में देश विदेश से बाबा साहब के अनुयायी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में मऊ के सेना अधिकारी भी बाबा साहब की जन्मस्थली पर पहुंचे और माल्यार्पण कर अपने अनुभव साझा किए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मीडिया के सामने बाबा साहब के जीवन के बारे में अपने विचार रखे। वहीं कई जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और वरिष्ठ जनों सहित बाबा साहब के अनुयायी लगातार मऊ पहुँच रहे थे। इस देश के ऊपर इतना एहसान है कि उसकी कभी भी कोई भरपाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाबा साहब ने सामाजिक समरसता का बहुत प्रयास किया। जब इस देश के अंदर छुआछूत थी, थोड़ा सा भेदभाव था, उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और विशेषकर गरीब और पिछड़े लोगों को आगे कैसे बढ़े, इसके लिए उनका हमेशा प्रयास रहा। और बाबा साहब का योगदान बहुत बड़ा है। चाहे हम हिंदुत्व की बात करते, एक समय था ऐसा आया था कि हिंदुत्व पे भी खतरा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुत्व जिंदा रहना चाहिए। आज 132वीं जयंती पर मैं बाबा साहब के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इस देश का संविधान जब तक रहेगा, जब तक बाबा साहब का नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस देश का संविधान का निर्माण किया था, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए काम किया, जिन्होंने छुआछूत मिटाने के लिए काम किया, जिन्होंने भेदभाव मिटाने के लिए काम किया और एक समाज के अंदर एक इंटीग्रिटी का काम किया है, तो ऐसे सामाजिक नेता का हम सब अभिनंदन करने आए हैं। उनकी उनके जीवन से प्रेरणा हम सबको लेना चाहिए और महू चूँकि उनकी जन्मस्थली है, ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो जिस स्थान पर हम खड़े हैं, मैं PWD मिनिस्टर था तब इसके निर्माण का सौभाग्य भी मुझे मिला था। और ये जो अंबेडकर कुंभ की योजना बनी है, ये योजना भी मैंने ही बनाई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृत की थी, क्योंकि जब मैं 2004 के बाद उज्जैन का कुंभ करके लौटा तो उनके क्यों नहीं महू में भी कुंभ किया जाए, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कुंभ की शुरुआत भी की हमने और आज देश भर के उनके अनुयायी यहाँ पर हैं और उसका स्वागत करने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जी, बाबा साहब भीमराव हमारे लिए बहुत बड़े आइडल हैं और उनका जो पदचिन्हों में चलना हमारे लिए एक गौरव की बात है। आज मैं मऊ कैंटोनमेंट की तरफ से, स्टेशन कमांडर की तरफ से यहाँ पर बाबा साहब को मैं रिस्पेक्ट देने के लिए आया हूँ। एंड जिस हिसाब से प्रबंध हो रखा है, कैंट बोट ने आपने देखा बहुत बढ़िया प्रबंध किया हुआ है एंड सभी चीज़ सुचारू रूप से चल रही है। हमने यहाँ पर कैंट बोट में सबकी सुरक्षा के लिए हमारे QRT जो आर्मी के QRT को भी हमने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और सभी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। इसमें मैं कैंट बोट को बधाई देना चाहता हूँ और कैंट बोट के सभी स्टाफ को और हमारे जो स्टेट के जो हमारे SDM साहब के अंडर में और पुलिस के अंडर में जो व्यवस्था चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है और सबको हमारी तरफ से ये है कि बधाई है। बाबा साहब के जयंती पर महाराष्ट्र से 200-250 हर रैंक के माजी सैनिक आए हैं और यहाँ से आगे हर साल यहाँ पे लोग माजी सैनिक आएंगे। पहले माना जाता था कि दलितों के साथ लगातार अत्याचार होता है, तमाम चीज़ें, बाबा साहब को आप किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके सामाजिक समरसता उन्होंने स्थापित की थी देश में? बाबा साहब ने हर पहलू को देखा है, सभी भारत के
अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग सब पहलू को उन्होंने सेवा की है। और बाबा साहब सबके है, किसी एक के नहीं है, सभी जातियों के, सभी धर्मों के है बाबा साहब। आपका पूरा नाम और पद बताएं। मेरा नाम है बंसुड़े गौतम सोपन राव, माजी सैनिक 13वां रेजिमेंट। टाइम